पेशावर से भारतीय किसान यूनियन ने शनिवार को जिला मुख्यालय स्थित शहीद पार्क लालबाग में केंद्र सरकार द्वारा जारी किसान बिल अध्यादेश के खिलाफ जमकर प्रदर्शन तथा राष्ट्रपति को संबंधित संबोधित ज्ञापन उप जिला अधिकारी अमित भट्ट को सौंपा। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष उमा शंकर यादव ने कहा कि सरकार ने किसान विरोधी बिल उस समय जारी किया था जब सारा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था। प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों की संख्या में किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन में राष्ट्रीय अध्यक्ष उमा शंकर यादव, राष्ट्रीय महासचिव गया प्रसाद शर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता लखन राम सूर्यवंशी, जिला अध्यक्ष जयमल सिंह, जिला सचिव रमन वर्मा, मंडल अध्यक्ष ब्रजपाल सिंह, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सरिता यादव, जिला अध्यक्ष हरदोई संदीप वर्मा, मंडल प्रभारी प्रकाश शुक्ला, सैकड़ों किसान मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्र शक्ति जो किसान संगठनों की संघर्ष समन्वय समिति है, उसका जो निर्णय उसमें हम लोग एक इकाई हैं और उसके माध्यम से कल भी शासन को सूचित किया था कि जो अध्यादेश मोदी सरकार ने सदन में लोकसभा और राज्यसभा संसद के दोनों सदनों में पास कर दिए हैं वो पूरी तरीके से किसान विरोधी हैं। मंडी को ख़त्म करने, किसान का स्वामित्व जमीन से ख़त्म करने और पैसा हड़प करने इत्यादि के लिए बनाए गए। अब किस दबाव में मोदी सरकार ने बनाए हैं ये तो मोदी मैं तो अंबानी अडानी को इस ग्रुप का ज़्यादा दबाव है और मैं तो चाहता हूँ जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी मेरी व्यापार करने के लिए आई थी और उसने पूरे देश को गुलाम कर लिया, उसी तरीके से ये बिल बनाए गए हैं देश को पुनः गुलाम करने के लिए। पूरी जमीन खेती उसकी व्यवस्था किसानों से छीन के पुनः व्यापारी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से चली जाएगी और किसान गुलाम हो जाएगा। MSP पे जो मूल्य निर्धारित करती है सरकार उसका सरकारी मंडी में तो पालन होता नहीं है और प्राइवेट में जो मंडियां ये बना रहे हैं वहां पे तो सरकार का नियंत्रण उल्लेख ही नहीं है बिल में। सभी संगठन जैसा निर्णय लिया गया है कि सभी संगठन या हमारा भारतीय किसान यूनियन राष्ट्र शक्ति पूरे देश में पहले तो जन जागरूकता अभियान चलाएगा, किसान को जागरूक करेगा। देखिए जनता से सरकार है, सरकार से जनता नहीं है, तो जब किसान को जागरूक करेगा ऑटोमेटिक सरकार को हम पैदल कर देंगे। दूसरी बात, जो किसान की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। अगली सरकार वो बनेगी जो किसान के हित में बिल लाएगी, किसान के हित में फैसला लेगी। पहले तो अभी हमें उम्मीद है कि ये बिल वापस लें, अगर नहीं वापस लेते हैं इस किसान विरोधी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, देश में भाजपा का नामो निशान नहीं होगा। ये रणनीति है, जन जन को जगाएंगे, महिला महिला को जगाएंगे, पूरे देश में आंदोलन करेंगे, रोड पे आएंगे और सारी व्यवस्था संसद को घेर लेंगे, जो जैसा होगा वो आपको बताएंगे। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।